तो हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग इट। तो आज हम आए हैं इंफा में, जो कि बहुत प्यारा मतलब कॉलेज है मैंने देखा अभी तक के लिए, कि मैंने बहुत यूनिक था। यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, कोई पोइट्रीज बना रहा है, बाकी पोर्ट्रेट्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह और कुछ पॉट्स। तो यहाँ हमारे साथ आपका नाम प्रीति मन्हास। प्रीति मन्हास, तो आपने ये पॉट रखा है सामने, तो आप बताएंगे इसके बारे में, किससे बनाया है? ये हमने क्ले के साथ बनाया है। क्ले के साथ, तो इसका क्या यूज होगा आगे? ये हमें अभी तो सिखा रहे हैं, इसके बाद स्कल्पचर का होता है, उसकी क्लास होती है हमारी। ओके तो मतलब इसको पेंट भी कर सकते हैं? हाँ जी, अभी इसको पकाना है उसमें फायर। तो ये डिजाइन तो बहुत अच्छा है, ये किसने, आपने बनाया है? हाँ जी, ये मैंने बनाया। ओके वाओ, दैट्स सो ग्रेट। तो आपको कॉलेज में ये सिखाया जाता है मतलब बनाने का? ओके थैंक। तो इन्फा सिर्फ म्यूजिक नहीं, स्कल्पचर नहीं, पेंटिंग में भी, मतलब कि हर चीज़ का समाधान इसी कॉलेज में। अगर आपको चाहिए इंजीनियरिंग, डॉक्टर छोड़कर और भी चीज़ें हैं, घर वालों को बता दूं मैं अपने, जैसे आप देख सकते हैं चंदन सर हमारे साथ। हाय सर। हेलो मैम, कैसे हो? जी ठीक। अरे नर्वस हो, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा हो जाएगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बट कोई चक्कर नहीं। आपने जैसे बताया पेंटिंग आपकी है, तो आप बता सकते हैं कौन से कलर्स यूज हुए हैं और क्या इंस्पिरेशन रही है इस पेंटिंग के पीछे? जी हम लाइव स्टडी करते हैं, यहाँ से स्ट्रक्चर की, बॉडी की स्टडी करनी पड़ती है, एनाटॉमी की स्टडी करते हैं हम, उस हिसाब ताकि हमारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो। उसमें हमें मॉडल को बिठाना पड़ता है, तो ध्यान से देखना पड़ता है, और उसके बाद फिर कलर्स का भी आता है कि हम कलर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लाइट रिफ्लेक्ट होती है उससे कलर थोड़ा चेंज होता है, ये नहीं कि जो दिख रहा है वैसा ही है, वैसी चीज़ की स्टडी करनी पड़ती है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे? जी मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा रहा। इससे पहले तो मेरे को मतलब कुछ भी नहीं पता था खास, खाली स्केचिंग करता, तो यहाँ के मतलब बहुत सीखने को मिला है अभी तो। ये इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, ये फिर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है मेरे लिए। ओके दैट्स ग्रेट। बाकी आप कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों की, अगर आपको पेंटिंग में शौक है तो आप आ सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे आना, अगर कोई पेंटिंग करना चाहता है या जिसका इसके अंदर शौक है वो बिल्कुल कर सकता है यहाँ पे आके। ओके थैंक यू सो मच। चंद हमारे सुमित जुड़े हैं, तो अपने पेंटिंग्स कहते शो ऑफ पूरा करना, दो पेंटिंग ला के रखी है, कहते एक भी दिखाऊँ भाई, बनाई है मैंने अच्छे। तो फर्स्ट वाली तो समझ ऐसा लग रहा है कि हाँ उन्होंने कीबोर्ड रखा हुआ, अरे बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ? वैसे ऐसे ही है वो भाई, मैं समझ गई पेंटिंग अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स लग रही हैं। बट सर बताएंगे इस पेंटिंग के पीछे क्या राज है, इंस्पिरेशन? ये थोड़ी क्रिएटिव पेंटिंग एक कंपोजिशन सब्जेक्ट होता है हमारा, वो थोड़ा अपने तरीके से चीज़ों को बनाना होता है इसमें। तो ये मैंने ऐसे कीबोर्ड, अगर हम सब कुछ जैसे आपने देखा हुआ है, एक पियानिस्ट होता है जो कीबोर्ड पड़ा हुआ है और वो बना रहा है वो, है ना, तो उसी को मैंने ऐसे कीबोर्ड नहीं बनाया, अपने ढंग से बनाया कि मेरे को कैसा एक पियानिस्ट चाहिए, क्योंकि मैं कीबोर्ड खुद प्ले करता हूँ ना। वही ना, अपनी आपकी प्रेरणा आपको कीबोर्ड से मिली है। तो आप मुझे नहीं, इसमें कौन सा कलर यूज कर रहे हैं आपने और कितना टाइम लगा को बनाने में से? ये एक्रेलिक कलर में, एक्रेलिक ऑन कैनवस है, और ये मैंने कोई 3 दिन लगाए होंगे इसको बनाने में। और 3 दिन लगे आपको, बहुत ज्यादा मेहनत। तो क्या क्या आपको इसके मतलब मार्क्स मिले हैं, किसने, टीचर्स ने कैसा रिस्पॉन्स? इसमें अभी मार्क्स नहीं होते, जैसे लेआउट बनाते हैं हम बड़े सारे, तो उसको फिर सेलेक्ट करते हैं कि ये ठीक लगेगा कंपोजिशन, तो फिर उस वो बना देते हैं उस पर। मतलब अगर सर मैं पूछना कि एक चीज़ पे गलत हो जाए, कुछ गलत हो जाता आपसे कुछ नहीं, तो क्या करते हो फिर से, क्या बनाओगे? नहीं नहीं, इस पर गलत नहीं होता कुछ भी, हमारे हाथ में ब्रश होता है, हम जो बना दें वही ठीक होता है। हाँ मेरी शक्ल बन जाएगी। हाँ बढ़िया है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, फाइनल ईयर में है, बस मतलब पेंटिंग यहाँ पे भी बहुत प्यारी बनाई हुई है, फेस नोज सब बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है। तो जो लोग पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं, म्यूजिक, स्कल्पचर्स जो भी हैं, IMFA में आ सकते हैं और अपने अपने फील्ड में और ग्रोथ कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ जी, तो मुझे बता रहे थे कि म्यूजिक की फील्ड में हमें म्यूजिक सिखाया जाता है, तो पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कॉलेज में। तो हाय सौरभ। हाय हेलो। तो मेरा ऐसा था कि सबसे पहले ये कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स एक बहुत अच्छा कॉलेज है आर्ट्स के लिए। जैसे मैं सिंगिंग म्यूज़िक वोकल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट था, तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ पे जाना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा सबसे पहले कि जो भी हमारे यहाँ पे जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अभी मेरा फाइनल ईयर है, बेसिकली हमारे 4 ईयर्स होते हैं डिग्री में, तो मैंने जो 4 सालों में जितना एक्सपीरियंस यहाँ पे सीखा है, बहुत यहाँ पे प्रोफेसर श्री सूर्य सिंह जी, उनसे तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमें। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, और अभी तक बहुत कुछ सिखाया है। मतलब कुछ ना सुना दो यार थोड़ा सा, मैं कुछ भी एक लाइन जो आपको लगता है। मैं यही जो अभी हमने
कुछ देर पहले परफॉर्म किया, तो मैं एक श्री सरस्वती माता जी की एक वो है, तो थोड़ा सा दो लाइनें वो कर लूँ मैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। कानों को सुकून में, बाय द वे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये स्कूल की प्रेयर है, मेरा स्कूल में गाते रहे शारदे माँ। ये सुर सुन के ना मुझे बेइज्जती हो रही खुद की, क्या गाते थे हम लोग, बट ना बहुत अच्छा लगा और मैं पक्का रिकमेंड करती हूँ सबको कि आ सकते, सुर तो बड़े अच्छे थे आगे बिना। तो गाइज एज यू नो कि मैंने बताया था हम इंफा में आए हुए हैं आज, तो वहाँ के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हेलो सर, पहले तो आप बताओ कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो ना आज यहाँ पे हमने कुछ सुना था कि आज यहाँ कुछ नया हुआ है कैलीग्राफी के बारे में, जी जी। तो आप बता सकते हैं कैलीग्राफी है क्या हमारे दर्शकों को? देखिए ये जो वर्कशॉप है 5 दिन का वर्कशॉप है, और हमने कोशिश की है कि रोजी रोटी के साथ जो है वो हमने स्टूडेंट्स को जोड़े, और ये कैलीग्राफी का जो एक रवाज हुआ करता था वो अब ख़त्म होता जा रहा है, उसको रिवाइव करने के लिए हमने इस वर्कशॉप का अहतमाम किया है। और ये 6 दिन की वर्कशॉप है कि जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से एक्सपर्ट आए हुए हैं, और इस तरह की वर्कशॉप हमने पहले भी की, हमने पेंटिंग डिपार्टमेंट्स में 2-3 वर्कशॉप की, हमने कथक में दी। हमारा मकसद ये है कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में नीप जिसे हम कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स को, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जम्मू और कश्मीर में अभी तक लोग उस तरह से म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। और ये ज़माना जो है, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि इंसान जो है या स्टूडेंट जो है जब बाहर जाए तो वो खुद कमाए, तो ये जो म्यूज़िक और फाइन आर्ट है ये डायरेक्ट जो है हमारे स्टूडेंट्स को कई जगह जो है रोज़गार भी देता है। तो वो मकसद भी है हमारा कि उनको तैयार किया जाए कि आज जबकि सरकारी मुलाजमतों में बहुत कमी आ गई है, मिलती नहीं है, तो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो खुद कमाएं और इस तरह वो इस काबिल रह बन जाएं वो कि वो न सिर्फ अपने अपने लिए कमाएं बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी वो कुछ मदद करें। तो इसीलिए इस तरह की वर्कशॉप्स हम यहाँ पे मुनाकत करते हैं, और आइंदा भी हमने मुनाकत की है। पेंटिंग में हमने अभी की थी 3-4 वर्कशॉप्स हमने की पेंटिंग में, उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। और अब आप अप्लाइड आर्ट्स की 6 दिन की वर्कशॉप है, और मुझे उम्मीद है कि ये वर्कशॉप भी हमारे बच्चों के लिए तालिब इल्मों के लिए बड़ी सूदमंद साबित होगी। ओके तो सर मुझे इस डाउट था, जो वर्कशॉप है सर आपके कॉलेज के बच्चों के लिए आउटसाइडर्स भी कर सकते हैं अप्लाई? इसमें हमने कुछ हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी कुछ अपने महकमे के पार्टिसिपेंट्स को यहाँ डिप्यूट किया है, क्योंकि उनके मुताबिक उनके यहाँ भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है खासकर डिजिटल आर्ट्स में। तो डिजिटल आर्ट्स में उनके पास जो बंदे या इन जो काम करने वाले हैं वो बहुत कम रहते हैं, इसलिए उन्होंने भी कुछ लोगों को डिप्यूट किया है, और हमारे स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नियर अबाउट 50 के करीब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके तो जाते जाते मैं इतना कहूँगी, जब मैं कॉलेज के अंदर एंटर करा ना, हर रूम में कोई ना कोई बच्चे कोई स्कल्पचर बना रहा है, क्ले के साथ खेल रहा है, कोई पेंटिंग के साथ कर रहा है, बाकी चीज़ें म्यूज़िक है। तो सर ये चीज़ बहुत न्यू है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कॉलेज देखा नहीं है। तो इस तरीके के आप लोगों को बोल सकते हैं हमारे दर्शकों को कि आप म्यूज़िक क्ले वगैरह सब में करियर बना सकते हैं अपना? जी बिल्कुल बना सकते हैं, और हमारी इस कोशिश है कि ये जम्मू का एक वाहिद कॉलेज है, अखलौता कॉलेज है ये, जो इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो हमारे यंगस्टर्स को दे रहा है। और मैं आपके वसातत से, आपके चैनल के वसातत से अपने जम्मू के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को इस की तरफ पढ़ाएं, क्योंकि अब ज़माना जो है बदलने वाला है, और जब ज़माना बदलेगा तो ये चीज़ें जो है उनके काम आएंगी, और इस तरह हम एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड करने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो हम आपके कुछ बच्चों से बातें करते हैं बाद में, क्योंकि एक्सपीरियंस कैसा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।
फैकल्टी मेंबर्स और बच्चों और जितने लोग यहाँ पे हैं, सबसे पहले मैं प्रिंसिपल साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे आके इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनने का मौका दिया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो रूह के लिए होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फिजिकल लाइफ के लिए होती हैं। तो जो ये इंस्टीट्यूट है, ये हमारा एक बहुत ही व्यक्तित्व के एक बहुत ही बड़े पार्ट को कैटर करता है सोसाइटी में। जो एक अगर इस तरह का एक इंस्टीट्यूट ना हो तो एक खालीपन रह जाता है। तो मैं इसके लिए आप सबको आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। एक मैं थोड़ा सा अपने स्कूल एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि रियासी में गए तो शायद अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, बट मैं आपको बताऊँ कि हमारे स्कूल बंद थे तो हो सकता है कि शायद अच्छा उस टाइम रिस्पांस ना हो। तो आप स्कूल खुल गए तो हमारे स्कूलों में भी NEP में जैसा कहा गया है सांस्कृतिक विभाग है और जो कि पूरी तरह कल्चरल सेल है और हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स हैं जो कि पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के जो आर्ट्स और म्यूज़िक वगैरह को ही देखते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा जितनी प्रतिभा हमारे स्कूलों में है वही बाहर निकल के आती है और वो बड़ी दूर दूर तक पहुँची है। हमारे यहाँ पे मैं बताऊँगा एक एनुअल फेस्टिवल होता है कला उत्सव करके, जिसमें कि हमारे हर स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हर जोन के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उस बार डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन होता है, पहले जोनल लेवल होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर यूटी लेवल होता है और यूटी लेवल के बाद नेशनल लेवल पे वो कला उत्सव मनाया जाता है जो कि डिफरेंट स्कूल्स के छात्र उसमें भाग लेते हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे कई बच्चों ने नेशनल लेवल पे भी जो है ये उसमें पार्टिसिपेट किया है और उसमें इनाम जीते हैं।